अच्छा जी, तो अब हम लोग पहुंच गए यहाँ पे कालाम, और 2 घंटे का हमारा सफ़र था। बहुत मज़ा आया सफ़र के अंदर, और बहुत ज़बरदस्त हमने नज़ारे करे, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा। हाँ शायन भाई, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। ऐसी बस थोड़ी सी वाट लगी हुई है, सर्दी आपको पता है बहुत ज़्यादा लगती है। कराची में तो वेदर अभी चल रहा है कुछ 35-36, और यहाँ पर जो है वो 14-13 चल रहा है, तो थोड़ी सर्दी लग रही है बस। आप बाकी तो मज़ा आ रहा है, नज़ारे ऐसे हैं क्या बताऊँ मैं आपको, समझो जन्नत में आ गए हम माशा। या सर्दी ऐसी है, या हम थक गए हैं। सफ़र तो इतना लंबा किया, बेरिन में स्टॉप किया हम लोगों ने। बेरिन से यहाँ 2 घंटे का सफ़र था। सफ़र ऐसा था कि कुछ कच्चा आ रहा था, कुछ पक्का आ रहा था। हाइट इतनी थी, चढ़ाई ऐसी थी कि बंदा थक गया है। और सर्दी तो ऐसी है कि देख लो आप मेरी हालत, ऐसी सर्दी है और कहाँ पर रहूँ मैं। बाकी सफ़र में बहुत मज़ा आया। ये फर्स्ट टाइम मैं नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा कोई सफ़र होगा। बाकी बहुत मज़ा आया मुझे। बहुत मज़ा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बहुत मज़ा आया, हम लोग ने सफ़र भी बहुत एंजॉय किया। सफ़र में नदियाँ भी बहुत अच्छी जा रही थी। अभी होटल में, होटल बहुत खूबसूरत है, बाकी सब गुड हो गया। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत थक गए हैं। थोड़ा सा खाना वाना खा लें, पूरी फैमिली हम लोग सब साथ आए हुए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खा के आते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या सीन है। फिर जो भी सीन होंगे वो आपको बताते हैं। अच्छा भाई, हम लोग निकले हुए हैं यहाँ पे रात के टाइम। अभी बैठे हुए थे तो काफ़ी ठंड वगैरह हो रही थी, हमने सोचा चलो थोड़ा सा आउटिंग करते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं सूप पीने के लिए। ज़बरदस्त सूप है, मज़ा आ रहा है सूप पी के। कैसा है सूप? मज़ा आ रहा है? ऐसा वैसा मस्त मज़ा आ रहा है भाई। शायन भाई कह रहे हैं मस्त मज़ा आ रहा है। अनीस भाई आप क्या कहते हो? आप अगर कालाम आओ तो ये सूप जरूर पियो, अगर ये सूप नहीं पिया तो कालाम आने का फायदा नहीं है। अनीस भाई जो है प्रमोशन कर रहे हैं सूप वाले की, वो कह रहे हैं कालाम आओ तो ये सूप जरूर पियो। और आप क्या कहते हैं? जरूर ये भी प्रमोशन कर रहे हैं। प्यादा गुड हो गया इनके लिए, गुड हो गया सब। या दिल गड़न गड़न हो गया, मुझे शाल पहनी थी वो भी उतार दी, वो टोपी पहनी थी वो भी उतार दी, बाकी दिल गड़न गड़न हो गया। सूप ऐसा मस्त है, नो डाउट सूप जो है मज़ेदार है। और यहाँ पे हम बाजार के अंदर भी घूम रहे हैं, रात का टाइम है, बाजार खुला हुआ है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आपको पता है कराची वाला है, आदत नहीं है इतनी जल्दी सोने की, तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है निकलने के लिए, देखने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए। वॉक कर रहे थे, ठंड भी हो रही थी, सोचा सूप पी लें। कौन सूप भी पी, अपनी भी है वो भी पी। अभी ये है कि ठंड कम महसूस हो रही है। हाँ तो भाई अभी सुबह हो गई है और हम लोग कलाम में रात को हमने स्टे किया था। बहुत ज़बरदस्त वेदर चल रहा है इस वक्त कलाम का। सुबह हो गई और आप देख लो ये मेरे पीछे, ये लोग अभी तक सोए हुए हैं, इन्हें अभी उठाऊंगा मैं। और उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर देखते हैं क्या सीन है। और फ्रंट का जो व्यू आ रहा है बहुत ज़बरदस्त आता है, फ्रंट व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उठ जाओ भाई, जाओ, चलो सुबह हो गई, चलो जाओ उठो। ये देख रहे हैं आप, ये लोग उठ गए हैं, और इनको अभी लाते मार के थोड़ा सा और हिलाना झुलाना पड़ेगा, उसके बाद फिर नाश्ते की हम तैयारी करते हैं। फ्रंट व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ज़बरदस्त फ्रंट व्यू आ रहा है। और यहाँ पे अभी माइनस, रात के टाइम तो -1 तक चला गया था, रात को तकरीबन 12 बजे तक ना यहाँ पे -1 तक चला गया था। और अभी सुबह के टाइम भी यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की 10-15 मिनट की बारिश हुई है। और यहाँ पे मुझे दूर दूर पहाड़ों पे थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे बर्फ़ वगैरह हो सकता है, कि रात के टाइम स्नोफॉल हुआ हो। तो यहाँ पे तो नज़र आ रहा है, दूर के जो पहाड़ है वहाँ पे शो हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी देखें अगर मेरा कैमरा दिखा सके आपको तो। बाकी यहाँ का जो व्यू आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये व्यू है बाहर का, जहाँ पर अभी हमने होटल पर स्टे किया हुआ है। ये बैक साइड है होटल का, जहाँ का मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यू, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। अच्छा, वो जो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ये बर्फ़ है। इसी तरह से अगर आप जो है राइट हैंड की तरफ देखें तो राइट हैंड पे भी आपको और ये नज़र आएगी। देख रहे हैं अभी ऊपर की तरफ, वो जो ऊपर नज़र आ रही है ये मैंने जूम किया है। मोबाइल है मेरा, मोबाइल से मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो जितना जूम हो सकता है। वाइट पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है वो स्नोफॉल है, तो वो रात के टाइम जो है यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है। अच्छा, हमारा मूड था इधर बैठ के नाश्ता करने का, लेकिन मौसम थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, और हिम्मत दूसरों की तो नहीं हो रही। मुझे तो बड़ा मज़ा आता अगर मैं इधर बैठ के नाश्ता करता हूँ, लेकिन दूसरों की हिम्मत नहीं हो रही तो अब अकेला बैठ के मैं क्या करूँ। तो इसलिए अब अंदर ही बैठ के हम नाश्ता करेंगे, वरना ये भी जगह बड़ी प्यारी लग रही है। खुला मौसम है, खुला वेदर है, और यहाँ पर इस तरह से बैठ के हम नाश्ता करते हैं, लेकिन अभी इजाज़त नहीं दे रही। अच्छा जी, आ गया भाई नाश्ता, आ गया, नाश्ता रेडी है।
ये देख लें यहाँ पे नाश्ता आ गया है, यहाँ पे सारी तैयारी हो रही है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के अभी नाश्ता करेंगे और नाश्ते की तैयारी होगी। अभी ये भाई हैं हमारे खान भाई, बड़े अच्छे भाई हैं। यहाँ पे जिस होटल के अंदर हम रुके हुए हैं इसका नाम है राही। ये पूरा फ्लोर जो है हमने बुक कराया हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब बहुत प्यारा फ्लोर है और बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो अब करते हैं नाश्ता हम लोग। अच्छा जी, इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये जंगल कहलाता है, ये कालाम से थोड़ा सा दूर आगे आके कालाम ही कहते हैं इसको, छोटा कालाम भी कहते हैं, जंगल भी कहते हैं। तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है। ये जो मैंने आपको व्यू दिखाया है तमाम यहीं का नज़ारा है। और कहते हैं यहाँ के लोग कि ये जितने भी दरख्त वगैरह आप देख रहे हैं ये सब जो है कुदरती है। यहाँ का जितना भी मतलब जो कुछ भी आपको नज़ारा, जैसे नदियाँ हैं और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, दरख्त हैं, हरियाली है और जो छोटे मोटे बाग हैं, ये सब कुदरती हैं। और सुबह के टाइम थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि हल्की फुल्की थोड़ी देर पहले यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही थी लेकिन अभी नहीं हो रही, तो मज़ीद और आगे देखते हैं क्या सीन। अभी चाय पीने का सीन, हम लोग तो चाय पी रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ का आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत आला व्यू है, आप देखें व्यू यहाँ का।